हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम रीजनिंग का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें जो है हम 10 क्वेश्चन लेंगे 11 to 20। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ संडे इज कोडेड एज 0 1 2 3 4 5 एंड बिग इज कोडेड एज 6 7 8, हाउ वुड यू एनकोड SANDBAY। तो इसमें जो है वो कह रहा है कि संडे को जो है 0 1 2 3 4 5 से और बिग को जो है 6 7 8 से लिखा जाता है, तो सेंड बे को कितने तरीके से लिखा, किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए, हमने जो है संडे के नीचे उसका कोड 0 1 2 3 4 5 लिखा और बिग के नीचे 6 7 8 लिखा, ताकि पता लग जाए कि कौन सा जो है लेटर के लिए कौन सा डिजिट जो है यूज़ किया गया, यानी कि एस के लिए जैसे 0 यूज़ किया गया है। तो इस तरह से अब हम सेंड बे को लिखते हैं, तो एस वाला 0 जो है यहाँ लगाएंगे, ए के लिए क्योंकि 4 यूज़ हुआ है तो 4, एन के लिए जो है 2 यूज़ हुआ है तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो यहीं से ही हमारे को पता लग जाता है कि सेकंड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि 2 जो है सेकंड में ही तीसरे प्लेस पे है। इसी तरह से अगर पूरा कन्फर्म कर लेंगे तो डी के लिए 3, बी के लिए 6, ए के लिए 4 और वाई के लिए 5 लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है 0 4 2 3 6 4 5 जो है वो करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन 12th है कि सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार साइन एंड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि सितारा में जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि 9 जो 3 3 3 और 6 है, इस तरह से हम इनमें स्टार की जगह में यहाँ पे डैश लगा रहा हूँ ताकि नंबर को दिखाया जाए। आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शंस में लास्ट में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इक्वल टू 6 हमारे को करना है, यानी कि 3 और 6 के बीच में इक्वल टू निशान लगा दिया। अब फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, तो 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बॉड मास जो है BODMAS इसके हिसाब से बी ब्रैकेट के लिए, ओ ऑफ यानी कि का के लिए और डी जो है डिवाइड यानी भाग के लिए होता है। तो भाग तो हमें सबसे पहले करना ही है, क्योंकि ब्रैकेट और जो है वो ऑफ तो यहाँ है नहीं। तो 9 को 3 से भाग करेंगे 3 आया, अब 3 को 3 के साथ गुणा कर देते हैं तो 9 आता है, और फिर माइनस लगाएंगे तो 9 में से 3 गए 6, यानी कि पहले ऑप्शन से ही चेक हो गया कि पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर माइनस और फिर इक्वल टू आएगा, यानी कि भाग गुणा घटा और बराबर। तो पहला ऑप्शन ठीक है। थर्टींथ क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट रेस्पॉन्स इफ राज इक्वल टू 29। तो एजुकेशन इक्वल टू, यानी कि राज के लिए अगर 29 आता है तो एजुकेशन के लिए क्या आएगा। तो राज जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें नंबर पे, ए पहले नंबर पे और जे 10वें स्थान पे आता है। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 29 यानी कि 29 आएगा। अब एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो है इसके इनको लिख देते हैं, तो ई जो है 5वें स्थान पर, डी 4थे पे, यू जो है वो 21वें स्थान पे है, सी 3रे पे, ए पहले पे, टी 20वें पे, आई 9वें पे, ओ 15वें पे और एन 14वें नंबर पर है। अब 5 और 4 9 9 1 10 10 और 3 13 13 1 14 14 और 9 23 23 और 5 28 28 और 4 32, यानी कि 32 3 कैरी हो गया। अब 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, यानी कि 92 ठीक आंसर है। वैसे 2 से ही पता लग जाता था कि 4th, क्योंकि जो है वो सही आंसर था। तो 14th क्वेश्चन है, एट डस्क रोहित स्टार्टेड वॉकिंग फेसिंग द सन, आफ्टर ए वाइल ही मेट हिज फ्रेंड एंड बोथ टर्न्ड टू देयर लेफ्ट, दे हॉल्टेड फॉर ए वाइल एंड स्टार्टेड मूविंग द टर्निंग अगेन टू देयर राइट, फाइनली रोहित वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड एंड लुक ए लेफ्ट टर्न टुक ए लेफ्ट टर्न टू ए कॉर्नर एट विच डायरेक्शन ऑफ रोहित मूविंग नाउ, यानी कि शाम के समय डस्क मैंने शाम को रोहित जो है चलना आरंभ करता है सूर्य की तरफ मुंह करके, और जो है
उसको आगे जाकर उसका एक दोस्त मिलता है और दोनों जो है बाईं तरफ मुड़ जाते हैं, फिर वो कुछ आगे चलकर जो है थोड़ा राइट जाके राइट साइड यानी कि दाईं साइड मुड़ जाता है और फाइनली जो है उसका दोस्त जो है उसको गुड बाय कहता है और जो है रोहित जो है फिर बाईं तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए जो हमने डस्क के टाइम जो है, क्योंकि सूरज जो है वेस्ट में यानी कि पश्चिम दिशा में होता है, तो वो पश्चिम दिशा की तरफ वो चलना प्रारंभ करता है यानी कि वेस्ट की डायरेक्शन में चलेगा। तो वेस्ट में वो चल रहा है और फिर उसने यहाँ कहते हैं कि थोड़ी देर चलने के बाद रोहित जो है वो क्या हुआ, लेफ्ट को मुड़ गया यानी कि बाईं तरफ को मुड़ गया। तो बाईं तरफ मुड़ने का मतलब है वो 90 डिग्री पे घूमा और नीचे की तरफ को इस तरह से साउथ की डायरेक्शन में चल पड़ा, यानी पहले वो वेस्ट की तरफ जा रहा था, अब उसका मुँह जो है साउथ की डायरेक्शन में हो गया। आगे जाकर जो है फिर वो क्या हुआ कि राइट को टर्न हो गया। राइट टर्न होने का मतलब लेफ्ट और राइट, पहले लेफ्ट मुड़ा था अब राइट मुड़ा, तो लेफ्ट राइट तो कैंसिल हो गए यानी कि फिर से वही पुरानी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ वो आ गया। तो अगर आपको इस तरह से लेफ्ट राइट या राइट के बाद लेफ्ट आए तो दोनों डायरेक्शन कैंसिल हो जाती हैं तो एक साथ आने पर, तो आप इसको सीधा भी मान सकते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वो कहता है कि उसका दोस्त ने उसे अलविदा कह दिया, गुड बाय कह दिया और वो जो है फिर जो है लेफ्ट की साइड मुड़ गया यानी कि साउथ की तरफ मुड़ गया। इसका मतलब उसका मुंह अब साउथ की तरफ है यानी कि पहला ऑप्शन ठीक है। 15वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन अमंग मैन वेजिटेबल एंड काउ। तो यहाँ इसमें बताना है कि आदमी सब्जी और गाय में क्या रिश्ता है। तो हम देख रहे हैं तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, इसलिए पहले वाला ऑप्शन ही ठीक है। 16वें क्वेश्चन में देयर आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज सिलेक्शन एंड द रीज़न। तो इसमें जो है पहले कथन दे रखा है और फिर उसका कारण दे रखा है। ए जो है कथन के लिए आया है और रीज़न जो यानी कि कारण के लिए आ रहा है। तो पहला है कि ए लिटिल गैप इज़ बिटवीन आयरन रेल्स यानी कि रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसका कारण दे रखा है आयरन एक्सपेंड इन समर यानी कि लोहा जो है गर्मियों में फैलता है। तो हमें बताना है कि दोनों ठीक हैं या ए ठीक है बी गलत है, ए या ए ठीक है आर गलत है, या ए गलत है आर ठीक है। तो यहाँ देखिए रेल की पटरियों के बीच में इस तरह से थोड़ा सा गैप होता है यानी कि ए तो ठीक है ही। तो अब जो है हमने देखा है कि लोहा जो है गर्मी पाकर फैलता है, अगर इसके बीच में गैप ना रखा जाए तो पटरियाँ इस तरह से मुड़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर भी ये गैप भी कम पड़ जाता है तो भी पटरियाँ मुड़ जाती हैं। तो इसीलिए जो है इनमें ये गैप रखा जाता है, अगर ये गैप नहीं होगा तो पटरियाँ जो है इस तरह से मुड़ जाएंगी। इसका मतलब ये जो है रीजन भी ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 17वें में दे रखा है कि फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट वन ऑफ विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन या एम्बेडेड। तो इसमें दे रखा है इस तरह से एक रेक्टेंगल यानी कि आयत दे रखा है, उसका एक विकर्ण यानी कि डायगोनल है और इस तरह से उस पर एक जेड सा बना रखा है। तो हम देख रहे हैं कि पहले फिगर में ये जेड है लेकिन दूसरे में नहीं है, तीसरे में मौजूद है लेकिन चौथे में नहीं है। इसका मतलब दूसरा और चौथा तो ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट हो गए। अब पहले और तीसरे पर विचार करते हैं, तो ये डायगोनल यानी कि विकर्ण पहले में मौजूद है तो इसका मतलब ये हो गया और बाहर इसके आयत भी है, लेकिन तीसरे में ये पूरा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये खाली जगह है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक हुआ। अगला क्वेश्चन है 18th, ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन्ड, यानी कि इस तरह से एक कागज को मोड़ा जाता है और उसमें से एक कट कागज कट किया जाता है और दोबारा जब खोला जाए तो कैसा बनेगा। तो पहले कागज को इस तरह से दो हिस्सों में बांटा, फिर बचे हुए को जो है फिर मोड़ दिया, तो इस तरह से वो चार पार्ट में बट गया। तो चार पार्ट में बट जाने के बाद यानी कि चौथाई जब रह गया तो इस तरह से डी की तरह की एक आकृति उसमें से काट ली गई।
तो डी की तरह की आकृति काट के उसको दोबारा से खोला गया, और खोलने के बाद उसमें से देखना है किस तरह का फिगर बनेगा, वो ए वन की तरह का बनेगा, टू की तरह, थ्री की तरह या फोर की तरह। तो हम देख रहे हैं जैसे ये आपका ये इस पर था, आधा मोड़ दिया, फिर आधे को भी आधा मोड़ा यानी कि चौथाई कर दिया, और चौथाई कर देने के बाद उसमें जब ये चौथाई रह गया उसमें ये डी की तरह मोड़ा गया। अब ये डी चारों पर आ जाएगा क्योंकि चार फोल्ड हो गई थी, तो पहले में जैसे ये इधर काटा है तो इसके नीचे जो आएगा उसमें जस्ट ऐसा ही होगा, लेकिन वो दूसरी साइड वालों में उल्टा डी छपेगा मिरर की तरह यानी कि शीशे की तरह। तो इस तरह से जो है ये सेकंड ऑप्शन जो है हम देख रहे हैं वो सही है। 19वां क्वेश्चन है, इन ए मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज राइट इमेज ऑन द गिवन फिगर। यानी कि एक ये दर्पण दे रखा है एम एन और उसके सामने एक चित्र है तो दे रखा है तो आकृति है, तो आकृति कैसी होगी? तो हम मिरर में क्या होता है, जो जितना जो नज़दीक चीज़ होगी वो नज़दीक ही बने, जितनी दूर होगी दूर वाली दूर बनेगी, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब में यानी कि इमेज और उसके जो मटेरियल है जिसकी इमेज बन रही है थिंक है जो वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो आप देख रहे हैं पहले ट्रायंगल बनेगा फिर उसके ऊपर ये रेक्टेंगल और ये साइड, यानी कि आप देख रहे हैं और ये जो बीच वाला ट्रायंगल है ये भी उल्टा होके इस तरह से बनेगा। ये दोनों क्योंकि ट्रायंगलों का फेस एक ही तरफ है तो यहाँ इमेज में भी एक ही तरफ और उल्टी दिशा में बनेगा, तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है 20वां क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ए वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स एज गिवन इन द नंबर्स इन द अरेंजमेंट क्लासेस आर रिप्रेजेंटेड बाय टू क्लासेस ऑफ अल्फाबेट्स एज इट इन आपको ये मतलब ये दे रखा है कॉलम और रोज दे रखे हैं मैट्रिक्स वन में, और उसमें जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अक्षर दे रखे हैं यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 रोज में, रो यानी के पंक्तियों में और कॉलम यानी के स्तंभों में। तो पहले वाला जो है जैसे ए को जो है रो यानी के पंक्ति बताता है पहले वाला अक्षर, और दूसरे वाला कॉलम यानी के स्तंभ को बताता है। जैसे ए को 0, 0 प्रकट करेगा, ए के लिए 0, 0 आएगा, बी के लिए 0, 1 हो गया, सी के लिए 0, 2 हो गया, डी के लिए 0, 3 हो गया, इसी तरह ई के लिए 0, 4 होगा। 2, 0 जो है वो सी को दिखाएगा, 2, 1 जो है डी को दिखाएगा, 2, 2 जो है वो ई को दिखाएगा, इसी तरह से 2, 3 जो है वो ए को, और 2, 4 जो है वो बी को दिखाएगा, 3, 0 जो है वो आपके डी को दिखाता है, इसी तरह से 3, 1 जो है ई को, और 3, 2 जो है वो ए को दिखाता है, और बाकी भी इसी तरह से आ रहे हैं। जैसे 5, 5 है वो पी को दिखा रहा है, 5, 6 जो है क्यू को, 5, 7 जो है वो आर को, और 5, 8 जो है वो एस को दिखा रहा है, 5, 9 जो है टी को दिखाता है, इसी तरह से 6, 5 क्यू को, 6 जो है 6 जो है आपके आर को, और 6, 7 एक्स को एस को दिखा रहा है, और 6, 8 जो है वो टी को, और 6, 9 जो है वो पी को दिखाता है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपका जो है अक्षर यहाँ पे एक दे रखा है बेस्ट को क्या कौन दिखाएगा, तो पहले हम देख रहे हैं बी कहाँ कहाँ आ रहा है, तो बी जो है वो आपका देख रहे हैं कि 1, 0 में आ रहा है जो कि किसी भी ऑप्शन में पहले स्थान पे नहीं है। फिर जो है हम देखते हैं 33 जो है 33 पे 33 पे बी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब 33 हो सकता है। दूसरे वाले ऑप्शन में 3, 1 दे रखा है, 3, 1 में ई आता है, इसका मतलब ये आंसर ठीक नहीं है, यानी कि सेकंड तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब तीसरे में 2, 4 पहले वाला है, इसको देखते हैं, 2, 4 में बी आ रहा है, इसका मतलब तीसरा भी हो सकता है, और फिर जो है 4, 2 में देखते हैं, 4, 2 में भी बी आ रहा है, इसलिए चौथा भी हो सकता है, यानी कि पहला तीसरा चौथा में पहला स्थान ठीक है। फिर हम जो है दूसरे को देखते हैं 4, 2 में बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेकंड प्लेस पे ई है, तो इसका मतलब जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और फिर दूसरे में देखते हैं 2, 2 जो है
टू टू जो है वो ई को दिखा रहा है, यानी कि ये थर्ड वाला हो सकता है। थ्री वन को देखते हैं तो थ्री वन भी ई को दिखा रहा है, यानी कि तीसरे और चौथे में से ही कोई आंसर होगा, यानी कि पहला दूसरा तो नहीं होगा लेकिन तीसरा चौथा हो सकता है। अब तीसरे को चेक करेंगे, तीसरा चेक करने के लिए हम देखते हैं ए। ए जो है वो आपके लिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो ए को चेक करना है। तो फाइव ए को हम देखेंगे, तीसरे वाले में टू थ्री है, तो टू थ्री पे ए आता है, तो इसका मतलब तीसरा हो सकता है। लेकिन वन ज़ीरो पे ए नहीं आ रहा है, वन ज़ीरो पे बी आ रहा है, इसका मतलब जो है चौथा ऑप्शन गलत है। तो यहीं तक चेक हो गया कि तीसरे वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है।